भू माफियाओं ने किया शासकीय जमीन पर कब्जा। प्रशासन वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना के कहर को देखते हुए मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार महामारी को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन लॉकडाउन एवं कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए भू माफियाओं ने डेरा पहाड़ी स्थित शासकीय पेयजल टंकी से लगी हुई जमीन खसरा नंबर 1731/6 पर अतिक्रमण करते हुए बिल्डिंग निर्माण का काम शुरू कर दिया है। मीडिया के पहुँचते ही दयाचंद जैन, जो की अवैध रूप से भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि बरसों पुरानी पाइपलाइन को आपने क्षतिग्रस्त करते हुए भवन निर्माण किया है, क्या इसकी मंजूरी भवन निर्माण की स्वीकृति आपके पास है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्तमान अरुण पटेरिया जी एवं संबंधित अधिकारियों के बार बार निवेदन और आग्रह करने के बावजूद जब उन्होंने पाइपलाइन नहीं हटाई, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शासकीय पाइपलाइन है, जब विभागीय बजट आएगा तभी उसे हटाया जाएगा, आप काम लगाए, अपना काम शुरू करिए। कुल मिलाकर पूरे डेरा पहाड़ी क्षेत्र में भू माफियाओं ने अवैध अतिक्रमण करते हुए बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए हैं। श्री दयाचंद जैन पर डेरा पहाड़ी के रहवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराजपुर तहसीलदार आनंद जैन भी उनके सहयोगी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जिनकी सह पर उक्त अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर न्यायप्रिय जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के बंगले के सामने शासकीय डेरा पहाड़ी पर स्थित पेयजल टंकी के बगल से दिनदहाड़े अवैध निर्माण कार्य होना कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों नगरपालिका कर्मचारियों की मिलीभगत को दर्शाता है। आइए पूरे मामले में क्या कुछ कहा अवैध रूप से निर्माण कार्य करा रहे दयाचंद जैन ने मीडिया के सामने। वही वक्त पूरे मामले में सीएमओ अरुण पटेरिया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वही पेयजल टंकी प्रभारी उपयंत्री श्री गंगेले साहब ने क्या कुछ कहा दूरभाष के माध्यम से मीडिया से चर्चा के दौरान, आइए आपको बताते हैं। छतरपुर से राहुल रैकवार की रिपोर्ट। हमारा है 2600 कुछ स्क्वायर फीट में हमारी एनओसी मंजूरी और रजिस्ट्री दोनों है। फसल नंबर क्या है? फसल नंबर 6। ये आपने जो नीचे दो मंजिल दिखवाई है, इसकी स्वीकृति निर्माण स्वीकृति और नक्शा आप दिखा सकते हैं क्या? अभी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी हाल अभी तो देखना पड़ेगा, अभी लगेगा घंटा। और आपके ये निर्माण के बाहर जो पाइपलाइन निकली हुई है, ये कहाँ से पानी आने वाली है और पानी जाने वाली है? बंदा की आने वाली लाइन है, जिसकी शिकायत 181 मुख्यमंत्री वेबसाइट में भी पड़ी है, नगरपालिका सीओ में भी पड़ी है, एक और एचईओ भी पड़ी है। हटी नहीं है पाइप, और आपने नीचे से पूरा 20 फीट खोद दिया है। अगर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और चार वार्डों के लोग अगर प्यास से परेशान हुए, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? इसकी दो डबल लाइन है, इसमें सप्लाई आने की, जो कि एक लाइन ये है बंदा वाली, एक धसान वाली, वो अलग है। तो बंदा से अभी फिलहाल तो पानी आ रहा है, उससे नहीं आता है, उससे आती है धसान वाली से। पलटी सामने देखता हूँ मैं, धसान से भरती है टंकी। शिकायत के बाद ये पाइप नहीं हटे, फिर भी आपने इसके नीचे 20 फीट खोद दिया है, ये बात तो सही है? बाद में परेशान हो गया, उनका कहना यह है कि आप अपना काम करो, जब शासन का सामान आ जाएगा तो हम इसको मान लीजिए पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है, निकालने नहीं बचा। अगर क्षतिग्रस्त होती है पाइपलाइन तो शासन जिम्मेदार होगी, आप शासन को हमने लिख के दे दिया, खुदवा तो आप रहे ना? नहीं, प्लॉट मेरा खुद रहा है, लेकिन इस लाइन के मामले में शिकायत कर देगा सीएमओ से डायरेक्ट। उन्होंने मैंने उनसे बोला कि इसको हटाइए आप, तो बोले आप अपना काम करिए, मेरे पास जब सामान आ जाएगा तब मैं उसको लगवा लूंगा। कौन बोला है? ये सीएमओ के इंजीनियर, वो अर्जरिया जी, क्या अर्जरिया जी, कौन है? अंकित अर्जरिया जी। सीएमओ साहब ने स्वयं बोला? हाँ, स्वयं बोला सीएमओ साहब पटेरिया जी ने। मैं खुद गया, मेरे पास आवेदन है, उनके साइन है दस्तखत करके, मैंने आवेदन दिया 3 बार अलग अलग तारीख। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने शासकीय जमीन को जो है बगैर परमिशन के खोला है, तो कृपया अगर आप लोगों को भी मैंने बताए हैं। नहीं तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें? तहसीलदार महोदय भी संलिप्त हैं आपके यहाँ जो रहते हैं, वो आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। नहीं नहीं, लोगों का कहना है, लोगों का कहना है, कागज आपके समाज के हैं और आपका साथ दे रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? कागज हाथ में है, आप कागज दे दो, उसके बाद सच्चाई सामने आएगी।